देखो अगला अगला प्रॉपर्टी है साइन वर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन वर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ, लिख लोगे कोसेक इनवर्स एक्स, टेन वर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ टेन वर्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इसी तरह से जैसे कॉस इनवर्स वैसे कॉट इनवर्स वैसे सेक इनवर्स, छः हैं छः, sec inverse minus x is pi minus sec inverse x, और क्या quad inverse, logic logic पे ये कि ये तीन जो है वो क्या है odd है, और ये तीन क्या है कौन था ये, अरे कबाड़ी वाले लिख लो neither odd nor even, एक बार देख तो लेते ग्राफ तो देख लेते हैं, अभी तो वही बात हुई, देखो सर मेरे को तो ये पता है आप क्या पूछ रहे हो, तो क्या चूल्हे में ठीक है ना पहाड़ में जवाब, कॉस क्या होता है इवन होता है, साइन क्या होता है ऑड होता है, मैं तो ये बताऊंगा नहीं ये तो सही है, मतलब ये तो आप सही बोल रहे हो सर, वन प्लस वन टू होता है सर, मैं तो यही बताऊंगा, लिख लो बेटे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है ना, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स जो है ये नाइदर ऑड नॉर इवन होते हैं, और ये पहले तीन क्या होते हैं ऑड होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज थ्री बाय, इन सब का आउटपुट जो है वो आएगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इनका आउटपुट आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ऐसे भी आप सोच सकते हैं ठीक है ओके, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, वैसे तो आप समझते हैं कि ऑड है ग्राफ से दिख रहा है, लिखो लेट साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, अपन ने ये साइन वर्स एक्स को थीटा मान लिया, थीटा डिक्लेयर कर दो, थीटा कितना होगा माइनस 90 से 90, ठीक है ना भाई, थीटा कितना होगा माइनस 90 से 90, अब आप बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो, समझ में आ रहा है क्या, माइनस एक्स कितना आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, अब आप ले लो साइन वर्स अब आप सोच लो माइनस थीटा, बेटा अगर थीटा है आपका माइनस 90 से 90 ना, तो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा भी क्या होगा माइनस 90 से 90, तो इनपुट और आउटपुट क्या है सेम, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर इनपुट एंगल क्या माइनस 90 से 90, तो ग्राफ ड्रॉ किया था ना अभी, क्या था ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा माइनस थीटा, लिख लो साइन वर्स माइनस एक्स इज माइनस थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस, और थीटा क्या था अपना साइन वर्स एक्स, बनाओ
सिमिलरली सिमिलरली, ठीक है, ये हो जाएगा। अपन इस पर आते हैं, देखो कॉस इनवर्स एक्स को मान लिया अपन ने थीटा, थीटा डिक्लेयर किया जीरो से पाए, एक्स कितना आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस एक्स कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, दोनों साइड ले लिया, कॉस इनवर्स बेटे अगर थीटा का रेंज है जीरो से पाए तो 180 माइनस थीटा का रेंज क्या होगा, जीरो से पाए, 180 माइनस 180 कितना होगा जीरो, 180 माइनस जीरो लिख लो, इसका भी रेंज क्या है जीरो से पाए। तो अगर आपका इनपुट एंगल जो है वो अगर जीरो से पाए होता है तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ क्या होता है, फिर बनाओ दोबारा बनाओ, बनाओ कॉस इनवर्स कॉस, हाँ मैंने बोला था प्रिंसिपल वैल्यू में कॉस इनवर्स कॉस क्या आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स आएगा, और थीटा क्या माना था अपन ने कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस, एक ही बात है ना, हेंस प्रूफ्ड। सिमिलरली, ठीक है, तो अपन ने ये प्रॉपर्टी जो है खत्म कर लिया है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ ये पहला वाला देखते हैं, देखो लेट साइन वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स किसका आएगा साइन थीटा, डिक्लेयर कर दिया अपने थीटा माइनस 90 से 90। आज अपन बहुत सारे प्रूफ देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप घर जा करके इन प्रूफ्स को कैसे करना है, इनको लिखा 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 साइड में कर दिया फिर प्रूफ किया, ठीक है ना, सबको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कर लीजिए, बाकी सब सिमिलरली कर लीजिए, ठीक है ना, बाकी सब मत करना, ठीक है ना, एक कर लेना, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा बेटे साइन थीटा, x कितना हो जाएगा कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, टेक कॉज इनवर्स बोथ साइड्स, यह आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, थोड़ा सोचिए 90 माइनस माइनस 90 कितना आएगा पाए, 90 माइनस 90 कितना आएगा जीरो, तो ये जो एंगल है वो एंगल कितना आ रहा है आपका जीरो से पाए, ठीक है, एंगल जीरो से पाए, कॉस इनवर्स कॉस जो है जीरो से पाए कितना आएगा, आपको ग्राफ पता है लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स आती है ना, इस इंटरवल के लिए कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ इज लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो आ गया 90 माइनस थीटा, और थीटा हमने क्या माना था साइन वर्स एक्स, तो साइन वर्स उधर उचका के साइन वर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना आ गया 90। कुछ आप बता सकते हैं हाउ इज दिस, मतलब कि साइन वर्स और कॉस इनवर्स सेम नंबर का उन एंगल्स का सम कितना आएगा 90, कुछ आप कुछ अंदर से कुछ उमंगे उठ रही हैं आपके कि क्या ऐसा क्यों, और ये कुछ अंदर से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स ये भी 90 आएगा, और सैक इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये भी 90 आएगा,
कैन यू जस्टिफाई इट बाय कुछ अच्छे से मैजिकल वर्ड्स मुझे बताओ जिससे मुझे लगे कि हाँ यार आपको समझ में आ गया, मतलब फीलिंग आ गई कि हाँ क्यों आ रहा है. सेम नंबर का साइन और सेम नंबर का कॉस इनवर्स लेने पर, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम नंबर का लेने पर आपको एंगल हमेशा 90 मिल रहा है. ग्राफ से? किसका ग्राफ? मेरा ग्राफ है? उन दोनों के ग्राफ से. लड़का कह तो रहा है लेकिन बड़ा नासमझ है, है? कह तो सही रहा है. ग्राफ आप दोनों का ड्रॉ कर लो तो आपको दिख तो जाएगा, हल्का सा दिखेगा पर मज़ा नहीं आया, मतलब ठीक है ना. मज़ा क्या, बहुत ही वाहियात आंसर था, ठीक है. क्योंकि क्या बच्चे क्या जनरली खुश हो जाते हैं, आज हमने वो बताया, ये डोला देगा डोला है. बच्चे जनरली खुश हो जाते हैं भाई. ये प्लस ये कितना आएगा 90, ये प्लस ये कितना आएगा 90, ये प्लस ये कितना आएगा 90. क्या ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस है, क्या बकवास है ये, इससे कहाँ दिख रहा है कुछ. लेकिन हाँ दिख तो रहा है एक्चुअली में, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स है तो 90, पर तो कोई तरीका नहीं हुआ ना ये. दोनों में एक ही एंगल आता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल देखा है कभी? राइट एंगल ट्राइंगल देखा है कभी? बनाया राइट एंगल ट्राइंगल? बनाना जरा एक बार राइट एंगल ट्राइंगल. हाँ साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा. वो लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा. वो लिखा हुआ है, लिख लो बेटे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये लिखा है. टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा. सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा. ये लिखा हुआ है, ये मैं लिख देता हूँ ना, तुम्हें तो शर्म आ रही है. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. ये लिखो भाई बेटे, दोनों साइड आप ले लो, कॉस इनवर्स है ना, तो कितना जाएगा इधर? थीटा जाएगा. और उधर आप जब कॉस इनवर्स लोगे तो साइन को चेंज कर लो आप, ठीक है ना. तो एक ही नंबर का अगर आप साइन वर्स कॉस इनवर्स ले रहे हो, है ना, तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 90 आ जाएगा. यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, ये 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा. हाँ भी आगे लिखो. क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन वर्स x प्लस कॉस इनवर्स x. अगला क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x. ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू टेन वर्स x प्लस कॉट इनवर्स x. हाँ क्या वो बना तो दो, एक बार ग्राफ बना तो दो. बना दिए ग्राफ. मैं चाहता हूँ तुम गलती करो. एग्जैक्टली है ना, अपने डोमेन में होगा. इसका डोमेन क्या है? माइनस वन से वन. इसका डोमेन क्या है? माइनस इन्फाइनेट से माइनस वन, वन से इन्फाइनेट. तो ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का ग्राफ ये आएगा माइनस वन से वन. टेन वर्स कॉट इनवर्स का ग्राफ ये आएगा ऑल रियल. और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि माइनस वन से पीछे और वन से आगे आएंगे सभी हॉरिजॉन्टल लाइन. वाई इज इक्वल टू 90, वाई इज इक्वल टू 90, वाई इज इक्वल टू 90, पर अपने डोमेन में, ठीक है. डोमेन का ध्यान रखना होता है हमेशा.
अगला क्वेश्चन, टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो रखा है अपने को पाई बाई टू, फाइंड एक्स। क्या बता, यहाँ पर डाउट है? अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, दोनों साइड कॉस इनवर्स लिया है, यहाँ से यहाँ ये आ गया, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ये एंगल का रेंज जो है वो जीरो से पाए, इसमें कोई डाउट? ये एंगल है ना 90 माइनस थीटा, इसका रेंज है जीरो से पाए, इसमें डाउट नहीं। तो अगर रेंज जीरो से पाए तो कितना आएगा, इनपुट आउटपुट सेम। मैथमेटिक्स क्या है, बहुत सिंपल है, कोई डाउट आ ही नहीं सकता। आप रुक सकते हो एक जगह पर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, लेकिन आप गलत नहीं कर सकते, इट्स वेरी लॉजिकल। समझ रहे हो आप, फिजिक्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो और आप शायद गलत रास्ते पे चले जाओ, पर मैथ्स में आप रुक जाओगे, मैथ्स में आप रुक जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात, मैथ्स में आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है ना। ऐसा होता है केमिस्ट्री में, रुक जाओगे केमिस्ट्री में, आप कुछ आता ही नहीं है केमिस्ट्री में, तो मतलब आप थोड़े टाइम बाद, आप 5-6 महीने बाद देखो तो आपको पता चलेगा मैं तो कुछ सीख ही नहीं रहा, ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, याद कर रहे हैं, सीख कहाँ रहे हो कुछ। हाँ अभी क्या आएगा, IIT में आया था सवाल, कल एक बच्चे ने ऑनलाइन एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, मतलब एक को नहीं, वो एक बच्चे ने डाउट पूछा, मतलब वो भी डाउट बच्चों को होता ही है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और ये बात ध्यान सुन लेना मेरी बात, है ना। उसने मेरे से पूछा, सर ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये नहीं कोई और क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन IIT मेंस का है या IIT एडवांस का, ये क्वेश्चन IIT मेंस का है या IIT एडवांस का। तो भी चलो तुम बताओ, IIT मेंस और एडवांस का, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्वेश्चन विच इज ऑफ IIT मेंस या IIT एडवांस, कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, आप बताओ, आपको पता ही बात, कोई बात नहीं। आप सोचिए कि IIT मेंस के क्वेश्चन और IIT एडवांस के क्वेश्चन में क्या फ़र्क हो सकता है, कोई क्वेश्चन कैसे अपन पता कर सकते हैं कि IIT मेंस का IIT एडवांस का है? क्या करो, साइड में लिखा हुआ होता है। नहीं नहीं, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो मैं क्लास में करा रहा था, जैसे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराई तो एक्चुअली प्रिंटेड है कि IIT में आया हुआ है ना, पर एक नॉर्मल क्वेश्चन जो IIT में नहीं आया हुआ है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो कैसे पता करेगा बच्चा या कैसे जानेंगे कि IIT के लेवल का है, IIT मेंस लेवल का है, एडवांस लेवल का। मैंने सवाल आपसे ठीक नहीं पूछा, बेसिकली सवाल ये है कि कोई सवाल जो है IIT मेंस लेवल का है या IIT एडवांस लेवल है ना, ये कैसे पता किया जाए, हाउ डू यू नो, क्योंकि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि मेंस का पढ़ रहे हैं एडवांस का पढ़ रहे हैं, मेंस का पढ़ रहे हैं एडवांस का पढ़ रहे हैं, मेंस का लेवल है एडवांस का लेवल है, कैसे पता करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा वो। और अगर कम कॉन्सेप्ट का है तो फिर क्या है, कम कॉन्सेप्ट का है तो क्या वो मेंस का है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट का है तो एडवांस का है, लेंथी क्वेश्चन। हाँ, दोनों में कोई फ़र्क है, मतलब एक बेसिक पर बेस्ड है और एक फार्मूला पर बेस्ड है, बेसिक फार्मूला तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, ये तो कुछ होता नहीं है, ये बेसिक है, ये फार्मूला है। हाँ मानस, क्या ओपिनियन तुम्हारा कि कैसे अपन कोई क्वेश्चन जो है उसको, उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि उसे एडवांस की कैटेगरी में डालें मेंस की कैटेगरी में? एडवांस थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, अलग क्या मतलब, कपड़े उतार के सोचना पड़ता है क्या, व्हाट डू मीन बाय अलग सोचना पड़ता है, क्या बकवास है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक मिनट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी जी रहे हैं अगर आपको ये बात नहीं पता है। देखिए IIT मेंस का जो टफेस्ट क्वेश्चन है, मेंस के पेपर का अगर आप टफेस्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये भारी होगा, मेंस का जो टफेस्ट क्वेश्चन, ध्यान सुन लेना, मेंस का जो टफेस्ट क्वेश्चन है ये ज़्यादा भारी होता है देन ईजीएस्ट ऑफ IIT एडवांस।
ठीक है ना, आईआईटी मेंस का जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है और आईआईटी एडवांस का जो सबसे आसान क्वेश्चन है, उसमें कौन मुश्किल है कौन आसान है? ये मुश्किल है हमेशा हमेशा, अब तक जब भी एडवांस और मेंस हुआ है, स्क्रीनिंग और यू नो आईआईटी मेंस हुआ है, तो तब ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा टफ है, टफेस्ट क्वेश्चन मेंस का ये ज़्यादा टफ है देन ईजिएस्ट क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि मेंस का पेपर कई बार काफ़ी टफ आया है, काफ़ी लेंदी आया है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ ठीक है ना, काफ़ी लेंदी आया, और कई बार एडवांस का पेपर काफ़ी आसान आया है ठीक है ना, काफ़ी आसान। अभी पिछले 2-3 सालों में ये पैटर्न आप देख सकते हैं, मतलब फॉलो कर सकते हैं। इसी बार है कि जब ऑनलाइन हुआ है मेंस तो पेपर काफ़ी ईजी आया है, पर इससे पहले मेंस अच्छे लेवल के आए हैं, मेंस अच्छे लेवल का आया है ठीक है। हाँ तो ऐसा नहीं है, अपने दिमाग में कुछ भी मत रखो कि मेंस का लेवल है एडवांस का लेवल है, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आ गए या नहीं आ गए ठीक है ना, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आ गए नहीं आ गए ठीक है। बाकी ये सब मिथ है ना, मैं एक सवाल को 3 तरीके से बता दूंगा, आपको तीनों तरीकों से समझ में आना चाहिए कि हाँ इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, और इसमें बेस्ट अप्रोच कौन सी है ठीक है। पर ये दिमाग में सेट कर लेना, कोई मेंस और एडवांस नहीं है, सब कुछ आईआईटी है, तुम बस ये दिमाग में रखो, एवरीथिंग इज़ आईआईटी, नथिंग इज़ मेंस, नथिंग इज़ एडवांस। गूगली हाँ अच्छा, कसम से सर डर लगता है सर, ये कसम लगाने की क्या ज़रूरत थी है, माँ की कसम सर मैं कह रहा था। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी जो बात है अभी भी वो स्थिर है, माय लॉजिक इज अगेन द सेम। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा है लड़का ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए आप, अभी 2-3 साल पहले ही है ना, 2-3 साल पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पार्शल मार्किंग आई, और इसमें एक डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स का बहुत ईजी क्वेश्चन आया था जिसके 2 पार्ट आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का सवाल आया था, उसके 2 पार्ट्स आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को उन्होंने बहुत डाइल्यूट कर दिया है, आज की तारीख में अगर देखें एमसीक्यूज़ को बहुत डाइल्यूट कर दिया, आप कम से कम हर एक सवाल के 2-2 ऑप्शन तो आप बहुत ईजिली करके भाग सकते हो। मतलब ये बेसिकली ये है जैसे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, उस तर्ज पर बना दिया कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर बीरबल भी लिख के आ जाओ तो 2 नंबर स्टेप मार्किंग मिल जाएंगे। तो आप देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था आईआईटी एडवांस में, जैसे रोलेज और मीन वैल्यू थ्योरम का, मतलब आपको तो नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम का, उसमें 2 पार्ट स्टार्टिंग में इतने आसान हैं, इतने बेसिक फार्मूला बेस्ड हैं कि आप सट कर सकते हो ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें पूरे क्वेश्चन को करने में आपकी जान निकल सकती है कुछ एक क्वेश्चंस में, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप समझो ना, इतना डिफिकल्ट थोड़ा ना हुआ आईआईटी का एडवांस का पेपर। आईआईटी एडवांस में इस बार दोनों पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, पर कितने डिफिकल्ट थे, कुछ एक तो बहुत आसान थे पेपर, कुछ पार्ट अगर डिफिकल्ट हुआ है तो कुछ पार्ट काफ़ी ईजी भी तो हुआ है। आप देखो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो है, जो मैं पिछले साल का पेपर देख रहा था, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन इतने आसान है कि अगर आप उल्टा स्टार्ट करो तो आपके ज़्यादा नंबर आए। हाँ नहीं सही में, आप उल्टा स्टार्ट करो आईआईटी एडवांस के पेपर, आपके ज़्यादा नंबर आए। इंटीजर टाइप काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी ईजी आए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन काफ़ी ईजी भी आए हैं। आपको सवाल को देखने ही नहीं, आप क्यों सवालों को देख रहे हैं ठीक है ना, आपको सवालों को नहीं देखना है, आपको आईआईटी को देखना है। आप क्वेश्चंस करते जाइए, आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप बस इन क्वेश्चंस को करिए, आप आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, इंटीजर टाइप, मल्टीपल चॉइस आप सब कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल बेसिकली क्या है, मेंस का टफेस्ट का ज़्यादा है, तो आप इस पर फोकस मत करिए कि मेंस का क्वेश्चन है एडवांस का क्वेश्चन है, वो सब आईआईटी के क्वेश्चन है, ये सब आईआईटी के क्वेश्चन है ठीक है। स्क्रीनिंग पहले होता था, पहले मेरे टाइम पे आईआईटी में स्क्रीनिंग होता था ठीक है ना, स्क्रीनिंग और आईआईटी मेंस एक ही बात है, दोनों कोई फ़र्क नहीं है। हाँ भाई करो इसको, लॉ में तुम्हें एक मेथड बताता हूँ इसका, जो सबसे आसान है सबसे छोटा है।